कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीआईओ, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और साथ ही मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल आज बाजार का आउटलुक बताने के लिए। गुरमीत जी बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले आज थोड़े ग्लोबल मार्केट्स के साथ शुरुआत करता हूँ, उसके बाद हमारे लार्ज कैप मिड कैप की जो चर्चाएं चल रही है उस पर भी आपसे बहुत सारी बातें करनी, लेकिन चूंकि ताज़ा आंकड़े कल अमेरिका से आए महंगाई के, इन आंकड़ों को आप कैसे पढ़ रहे हैं और फेड की आने वाली मीटिंग पर आपका व्यू? अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद और हिंदी दिवस की आपको जी आपने हिंदी में स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज को भी जनमानस की लैंग्वेज बनाया और रिटेल को पार्टिसिपेट कराया, तो उसके लिए आपका आभार। ग्लोबल ग्लोबल मार्केट्स जो डेटा है ओवरऑल यही पॉइंट कर रहा है कि फेड ओवर हाइक नहीं करेगा इस वाली मीटिंग में। इनफैक्ट अगर आप देखिए उनका जो नेशनल डेट है वो डेट सीलिंग के बाद 1.5 ट्रिलियन और बढ़ गया है, तो लगभग $33 ट्रिलियन है, उसको सर्विस करना है और उसके अलावा कॉर्पोरेट को सर्विस करना है, रिटेल में डेट सर्विस की प्रॉब्लम आगे आ सकती है। और हमने देखा है जब भी एक्सेसिव रेट हाइक्स हुए हैं यूएस में, एक बड़ा क्रेडिट इवेंट आया है, तो उसको लेके थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। उसके अलावा जो ओवरऑल डेटा भी आ रहा है वो बहुत इंकरेजिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लैग इफेक्ट होता है। हमने देखा यूरो जोन में भी डेटा नेगेटिव आया, आईपी नेगेटिव आया, यूके की इकोनॉमी श्रिंक करी है और उम्मीद से ज्यादा श्रिंक करी है, तो बाजार शॉर्ट टर्म में कहते हैं कि बैड न्यूज गुड न्यूज होता है, तो उस चीज को शायद फैक्टर इन करेगा। वो थोड़ा सा आपको यील्ड में भी देखने को मिलेगा, हमने देखा यूएस की 10 ईयर भी वापस से 4.25-4.24 की तरफ आई है। इंडिया में भी आपने देखा होगा इस डेटा के बाद हमारा जो 5 ईयर बॉन्ड है वो करीबन करीबन 5 पैसा गिरा था, 10 ईयर बॉन्ड भी लगभग लगभग वापस 7.14-7.15 के आसपास आया है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट को थोड़ा रिस्पाइट मिलेगा और शायद इंटरेस्ट रेट पीक हो चुका है यूएस में, ऐसा मेरा मानना है कि अनलेस कोई बहुत एडवर्स डेटा आता है इन्फ्लेशन का अगले 2 महीने, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर, तो वहां के संकेत ठीक है। अब आइए सर हमारे बाजारों की बात करते हैं। आज भी आपको एक बार फिर से बधाई, हिंदी दिवस के साथ साथ लाइफ हाई की भी है क्योंकि निफ्टी ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है, तो क्या वापस से महीने डेढ़ महीने सुस्त रहने के बाद दिग्गज शेयरों को दौड़ लगाने का वक्त आ गया है सर? अनिल जी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा रोटेशन होगा, क्योंकि आप देखिए निफ्टी लगभग आधा निफ्टी उतना चला नहीं है। आप HDFC बैंक देखिए, RIL देखिए, कोटक देखिए, ITPAC देखिए, कुछ HUL देखिए, कुछ बहुत सारे पॉकेट्स हैं, लगभग 40-45% जो वेट अगर आप देखेंगे तो YTD वो नंबर बहुत फ्लैट दिखेगा या सिंगल डिजिट रिटर्न दिखेगा। इन्फोसिस तो आप शायद पॉजिटिव का होगा पूरे साल का, तो थोड़ा सा रोटेशन हो सकता है लार्ज कैप का। और मैं ये नहीं मानता हूं कि बाजार में यूफोरिया है और ये पीक हो गया है बुल मार्केट का। बुल मार्केट का पीक होता है जब जब सब एग्रेसिव होते हैं। आप देखिए 19,000 से कॉशन है बहुत सारे पॉकेट्स में। दूसरा अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो लगभग लगभग 20 टाइम्स है। तीसरा ये FII ड्रिवन नहीं है अकेला, अगर आप सेकेंडरी मार्केट FII का नंबर देखेंगे तो फ्लैट है इस साल का। प्राइमरी मार्केट आपको जो कि बेटर इंडिकेटर है, आप NSDL की वेबसाइट पे देखेंगे तो 1,30,000 करोड़ डाला है उन्होंने, उतना ही DIIs ने भी डाला है। तो ये बड़ा बैलेंस्ड फ्लो है मार्केट का, एक बैलेंस बना है मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन से, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन से। तो मुझे नहीं लगता कि हम यूफोरिया में है, कुछ पॉकेट्स जरूर है जहां एग्जुबरेंस है और वहां थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि बहुत सारी गुड न्यूज प्राइस में आ जाती है, तो वो जरूरी है। और मुझे लगता है कि लार्ज कैप में जो ओवरऑल जो निफ्टी स्टॉक्स है थोड़ा सा रोटेशन देखने को मिल सकता है। जैसे HDFC बैंक की हमने चर्चा करी, 15 टाइम्स अर्निंग पे है, 2.2-2.3 के मल्टीपल पे है। बहुत सारे PSU स्टॉक्स भी आप देखिए रनअप के बावजूद बहुत रीजनेबल है। आप कोल इंडिया देखिए 6 या 7 के मल्टीपल पे है, NTPC देखेंगे आप रनअप के बावजूद 11-12 के मल्टीपल पे है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे पॉकेट को बोलना कि PSU रनअप कर गया या डिफेंस रनअप कर गया तो पूरा पॉकेट खराब हो। थोड़ा सा रोटेशन जरूर होगा मुझे लगता है, थोड़ा सा वैल्यू पॉकेट्स में, थोड़ा हमने देखा है IT और फार्मा में, थोड़ा सा शायद और देखने को मिलेगा कुछ लीडिंग बैंक्स। बिल्कुल ठीक है आपने कि अभी कहीं दूर दूर तक यूफोरिया बनने के संकेत है नहीं, लेकिन आजकल बड़ी ये चर्चाएं चल रही कि मिड कैप बहुत तेज़ी से भाग चुके हैं, ज़्यादा भाग चुके हैं, अब मिड कैप शेयरों से बिल्कुल बाहर निकल के लार्ज कैप्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये जो भाव है अगले 2-3 साल तक शायद वापस देखने को न मिले, कुछ ऐसा डर है क्या? मुझे नहीं लगता है जी, थोड़ा सा हमें लगता है एक्सट्रीम कॉस्ट बाजार में लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑल इन ऑल आउट वाली वजह से ही नुकसान होता है। आप थोड़ी सी रीबैलेंसिंग करिए, और ट्रेडिशनल एसेट एलोकेशन क्या बोलता है, जो पॉकेट्स बहुत अच्छा किया है वहाँ थोड़ा सा आप ट्रिम करिए, जो पॉकेट्स अंडर वैल्यूड है थोड़ा सा उसमें आप थोड़ा सा वेट बढ़ाइए। हम करते उल्टा है, जो अच्छा कर रहा होता है उसमें सारा पैसा डाल देते हैं।
तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक बेसिक्स पे अगर हम आएंगे तो थोड़ी सी रीबैलेंसिंग कर सकते हैं, बट ऐसे एक्सट्रीम कॉल लेना कि स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में ये भाव नहीं मिलेगी, मुझे लगता गलत है। आप देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी कंपनी जो है मिड कैप है, CDSL है, वो तो अभी भी पिछले हाई से 20% दूर है। जो आपकी सबसे बड़ी कंपनी है टाइल मेकर्स में, वो कोई बहुत एग्जुबरेंट वैल्यूएशंस में नहीं है। तो बहुत सारे लीडिंग सेक्टर्स हैं मिड कैप में जो वैल्यूएशन जहाँ पे रीजनेबल है। तो स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लीजिए, ब्रॉडर इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स पे ऐसे कॉल लेना नहीं होगा। एक इंडिकेशन जरूर है पोर्टफोलियो मैनेजर्स ये दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बंद हो गए हैं स्मॉल कैप फंड में या कैप हो गए, तो वो एक ही इंडिकेशन दे रहे हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम दिख रही है और बहुत सारी गुड न्यूज शायद प्राइस में हो। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, ये एक्सट्रीम कॉल मेरे हिसाब से लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, नया पैसा लगाने के लिए सावधान रहें और पुराने पैसे में अगर कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूशन बढ़ गए हो तो रहे, लेकिन बिल्कुल सारा मिड कैप में डाल दें, सारा निकल जाए, ये स्ट्रेटजी सही नहीं है। ये गुरमीत सर का कहना एकदम साफ साफ है। अब बताइए सर, भारतीय बाजारों में डायरेक्शन क्या है, कितनी तेजी और? अनिल जी, मेरा ये मानना है कि मैं 2003 से 7 में तो काफी यंग था, इतना इतनी समझ नहीं थी, बट ये साइकिल वैसी सिमिलर साइकिल है और इसको मिस नहीं करना चाहिए रिटेल निवेशकों को। बीच में करेक्शंस आएंगे, 2003 से 7 में भी आए थे, 30% का करेक्शन आया था मई जून में 2006 में, लगभग 3 करेक्शन 10% के आए थे, बट ओवरऑल ट्रेंड बहुत क्लियर है और उस ट्रेंड को हमें इसलिए थोड़ा सा ओवरवेट होना चाहिए इक्विटी पे, रीबैलेंस करते रहिए ऑन एंड ऑफ, बट बेरिश होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बाजार अच्छा करेंगे। मेरा ये मानना है कि 3-4 पॉकेट्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत समय बाद इन्वेस्टमेंट साइकिल अच्छी लग रही है। आप देखिए पावर डिमांड अभी सितंबर की आई है 241 गीगावाट की आई है, 23% ऊपर है, तो मुझे पूरा पावर का जो आपका वैल्यू चेन है जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके बहुत अच्छा लगता है। एनर्जी मिक्स चेंज हो रहा है, हमने देखा कि अभी बायोफ्यूल की जो कॉन्फ्रेंस हुई कैसे रिन्यूएबल और क्लीन फ्यूल अडॉप्शन पे जोर दिया गया, एनर्जी मिक्स चेंज हो रहा है, तो हमें ये वाला पॉकेट बहुत अच्छा लगता है। कैपिटल गुड्स में बहुत समय बाद बहुत अच्छी, अगर आप टेंडर बुक देखें L&T के, अभी CFO से पीछे उन्होंने चर्चा की थी आपसे की थी, 1/3 ऑर्डर बुक इस बार प्राइवेट कंपनी से है, ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा, L&T के लिए तो अच्छा है ही है। ये ऑर्डर बुक्स का मिक्स सिर्फ 20% था आज से 18 महीने पहले L&T का, बाकी सारा गवर्नमेंट लेट था। मिडिल ईस्ट से ऑर्डर आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन ऑर्डर बुक उनकी बहुत अच्छी है, अभी उनको सऊदी अरामको से ऑर्डर मिला, और अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर शेप लेता है तो ये ऑर्डर बुक और बढ़ने वाला है मिडिल ईस्ट से। सऊदी अरेबिया का स्टेट विजिट हुआ है G20 के बाद, तो ये स्पेस अच्छी लग रही है। अब हम फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं तो डिस्क्रिशनरी जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वो बहुत अच्छा करेगा, जिसमें आपका ऑटो है, थोड़ा बहुत EMPS कंपनीज हैं, ये काफी अच्छा करेंगी, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कैचअप होगा, जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो थोड़े से सब्ड्यूड थे, वहां पे मुझे लगता है थोड़ा कैचअप होगा जी। तो ये पॉकेट्स अच्छे लग रहे हैं और ये इससे ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे सेक्टर्स जहां पर बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिल सकता है निवेश करने के लिए आज से, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर है तो थोड़ी रिस्क भी एक बार समझनी चाहिए कि बाजार में क्या है। तो गुरमीत सर जरा बताएं कि खतरे कहाँ हो सकते हैं, सावधानी कहाँ रखनी है? एक खतरा तो आपका बिहेवियर है जी, जैसा मैंने बोला चेज मत करिए मोमेंटम को बहुत ज्यादा, थोड़ा वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए, टेक्सटबुक इन्वेस्टिंग जरूरत है। बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी अच्छे हैं, रेलवेज में, डिफेंस कैपेक्स में पूरा, और बट कुछ जगह वो शायद प्राइस में आ गया है, शायद 10 साल की आपने ऑर्डर बुक को अभी प्राइस पे ले लिया है, तो वहाँ थोड़ा सा कॉशन, तो थोड़ा सा स्टॉक पिकिंग पे फोकस करिए और थोड़ा सा वैल्यू पॉकेट्स पे ज्यादा फोकस करिए। दूसरा मुझे एक जो रिस्क लगता है वो थोड़ा ऑयल लगता है, ये वापस से 92-93 डॉलर है, इससे हो सकता है जो रेट्स हैं वो जो हाई पॉज तो लग जाए बट इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक स्टेशनरी रह सकते हैं, मतलब हायर फॉर लॉन्गर बोलते हैं हम उसे, उससे अगेन आपका जो वैल्यूएशन मल्टीपल है थोड़ा सा चैलेंज होगा, बाजार क्वेश्चन करेगा हाई वैल्यूएशन को। हमने देखा HDFC और कोटक जब ग्रोथ उनकी थोड़ी भी मॉडरेट हुई, बजाज फाइनेंस की थोड़ी भी ग्रोथ मॉडरेट हुई, बाजार ने क्वेश्चन किया उनके, हाल कंपनी परफॉर्मेंस में इशू नहीं है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड पे था, तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये हायर फॉर लॉन्गर जो है रेट्स का वो थोड़ा सा एक मुझे लगता है एक थोड़ा सा नियर टर्म कंसोलिडेशन ला सकता है। और तीसरा एक क्रेडिट इवेंट अगर US में होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये थोड़े से खतरे हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आज समय दिया आपने और विस्तार से हमारे दर्शकों को बाजार के डायरेक्शन के बारे में बताया भी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत सर आपका। थैंक यू।